गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटोर में। जैसा कि हमने कल लास्ट क्लास में चेक किया था मॉर्निंग में कि क्या क्या रीजनिंग का सिलेबस हो सकता है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या इन 15 दिनों में हमें कवर करना है, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर करके हमें कोई मतलब नहीं है। हम वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो चीजें हमें टिपिकल लगती हैं, ठीक है। तो शुरू करने से पहले, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा आपके इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए, इतना मुझे मोटिवेट करने के लिए कि हाँ सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपका एफर्ट बहुत अच्छा है, उन सब चीजों के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन एक बात भी आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपको FCI मेंस क्लियर करना है तो उसके लिए डेडिकेटेडली आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने होंगे और पढ़ना भी रेगुलर बेसिस पे पड़ेगा। मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं डेली बेसिस पे आपको पढ़ा सकूं, ठीक है, क्योंकि मेरा और हमारी टीम का एक ही फोकस है कि आप लोगों को इस बार का FCI मेंस क्लियर करवाया जाए, ठीक है। और अगर आप लोग सेलेक्ट होते हैं, और कितने परसेंट बच्चे हमारे बैच के सेलेक्ट हुए ये हम जब एनालिसिस करेंगे और हमें पता अगर लगता है कि हमारे बैच के 50% 60% भी बच्चे अगर सेलेक्ट होते हैं, इट मींस हमारे एफर्ट से उनको कुछ फायदा हुआ, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने डिस्कस किया था हमारा सिलेबस कि रीजनिंग के सिलेबस में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। आज हम सबसे पहले क्या देखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट चीज सबसे पहले देखेंगे जिसमें हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, वो है अल्फाबेट सीरीज। मैं ये आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ इसका मैं आपको अभी रीजन दूंगा, क्या रीजन है कि मैं आपको अल्फाबेट सीरीज सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ। देखिए, आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे और मैंने कई सारे बच्चों को पढ़ाया भी है और मैंने नोटिस बहुत डीपली किया है कि बच्चे क्या करते हैं, जनरली हर पेपर के अंदर अल्फाबेटिकल सीरीज के या फिर अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा एक वर्ड दिया रहता है, उस वर्ड को कोड कर दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि ये कोडिंग कैसे करी, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ही उनका पेपर स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले उनको जो शीट मिलती है या फिर उनके पास जहां भी जगह होती है वहां पे वो अल्फाबेट लिख लेते हैं ए से लेके जेड तक, और उनके नीचे उनकी 1 से लेके 26 तक की नंबरिंग लिख देंगे। और फिर जब भी क्वेश्चन आएगा सामने तो नीचे से उस लेटर का नंबर देख करके और फिर कोडिंग करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही गलत तरीका है, इससे आपका जितना टाइम खराब होता है उतने में आप 4 क्वेश्चन और कर सकते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले अल्फाबेटिकल सीरीज से आज शुरू कर रहा हूं, बहुत बेसिक सी चीज है। हम केवल ये सीखेंगे कि ए से लेकर के जेड तक के जितने भी लेटर मेरे पास में हैं, उन सारे लेटर की नंबरिंग जो कि 1 से लेके 26 तक है उन्हें कैसे याद रखा जाए। कि कोई भी लेटर यदि मेरे से, सपोज फॉर एग्जाम्पल, यदि वो मेरे से बोलता है कि सर पी का नंबर बताओ, तो सीधी सी बात है पी का नंबर होता है 16, सीधे मेरे मुंह पे होना चाहिए, मैं गिनूंगा नहीं ABCD करके, ठीक है। और इन सबको शुरू करने से पहले, सबसे पहले मैं अगेन एक सेम रिक्वेस्ट वापस करना चाहूंगा, अपनी कॉपी और पेन लेकर के सामने बैठे, ठीक है, क्योंकि जब हम कॉपी पेन लेके सामने बैठते हैं तो हमारा एक अलग ही कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज को। जब भी हमें याद करना होता है या फिर पढ़ना होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि अल्फाबेटिकल सीरीज में नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं, 26। किसी भी अल्फाबेटिकल सीरीज ए से लेके जेड तक के जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इसमें होते हैं वो लेटर कितने होते हैं, वो टोटल लेटर हमारे पास में होते हैं 26, 26 लेटर होते हैं। अच्छा, अगर हम सीधे पॉइंट ऑफ व्यू से ए से लेके जेड तक जाते हैं तो इस तरीके से नंबरिंग की जाती है, 1, 2, 3 और 4। मैं ए से डी तक ले लेता हूं, ठीक है। मैं एक एक करके आपको इन सब की नंबरिंग सिखाऊंगा, कैसे नंबरिंग करनी है, क्यों करनी है और क्या रीजन है। ये हम आगे जब क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे ये सारी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी कि हमने ये नंबरिंग क्यों करी है। लेकिन उससे पहले एक और चीज कि जब भी आप लेटर की नंबरिंग करते हैं तो ध्यान रखिए, जब भी जेड 26 पे खत्म होगा और अगेन हम आगे बढ़ेंगे और वापस से जब ए आएगा तो ए 27 नहीं होगा, वो वापस से 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। यानी कि 27, 28, 29 नहीं, ए अगर आ गया मतलब वापस से ए, ठीक है, क्लियर है। चलिए ए से लेके जेड, अब मैं आपको कुछ लेटर्स तक की नंबरिंग यहां लिख देता हूं और फिर मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कौन से लेटर की क्या नंबरिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गई ए से लेकर के
डी तक की। अब हम आते हैं आगे ई एफ जी एच, आगे आए आई जे के एल। नोट करते जाइएगा, मैं बता रहा हूं आपको। अभी हम एल तक लेते हैं, हमारे पास इतना ही स्पेस है। ठीक है, कैसे याद करेंगे मैं फिर से बताता हूं। देखो, ये जो चार का पेयर आपको यहां दिख रहा है, इस चार के पेयर में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन चार के पेयर में सीधे सीधे मूवी याद कर लो, एक मूवी आई थी एनीबडी कैन डांस आई थी ना, बस वहां से सीधे सीधे ये चार का पेयर याद हो जाएगा, एनीबडी कैन डांस। और वैसे भी ए से लेके डी तक मुझे याद करने की कभी जरूरत पड़ती भी नहीं है, क्योंकि ये चार में मेरे को कोई पूछेगा डी कौन से नंबर पे है, तो मेरा दिमाग वैसे ही बता देगा कि डी चौथे नंबर पे आएगा। दिक्कत आती है आगे से। जब आगे से दिक्कत आती है तो कैसे आती है, वही हमें यहाँ सबसे पहले देखना है। तो चलिए आते हैं ई पे। अगर मैं ई पे आता हूं तो ई की नंबरिंग कितनी है, 5। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप कहीं पे भी कोचिंग अगर आपने करी हो, कभी भी पढ़ी हो, रीजनिंग पढ़ी हो, तो आपने ये जरूर सुना होगा, मेरे हिसाब से आपको याद भी आ गया होगा अभी तक तो, और आपने मुंह से बोल भी दिया होगा, यस इजॉटी पढ़ा है ना। इजॉटी में क्या रहता है, मल्टीपल ऑफ 5 होता है, ये 5 की टेबल होती है, 5, 10, 15, 20 और 25, ये 5 का मल्टीपल चलता है। तो ये तो आप बहुत आराम से याद कर सकते हो इजॉटी। ठीक है, इजॉटी, EJOTY, इजॉटी, 5, 10, 15, 20 और 25। कितने लेटर याद हो गए, 5 लेटर मुझे यहां से याद हो गए और 4 लेटर मुझे यहां से याद हो गए, 5 और 4 9 लेटर मुझे याद हो गए। तो 26 में से 9 लेटर की नंबरिंग तो मैं बहुत अच्छा अच्छे से कर सकता हूं। ठीक है, अब देखो ये ई मैंने कवर कर लिया, ये ई मैंने इजॉटी में कवर कर लिया। अब देखो किसकी बात करेंगे हम, F की। नोट करते जाइएगा क्योंकि मैं इसको फिर मिटाऊंगा तो आपको फिर बाद में लिखने में दिक्कत आएगी। F6, इसको हम क्या बोल सकते हैं, यदि मैं F और 6 को मिलाऊं तो एक राइमिंग बना के मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ, फिक्स। समझ में आ रहा है, अगर मैं यहाँ क्या लिखता हूं, फिक्स, तो मुझे F के साथ में 6 दिखाई दे जाता है, 6 का S हट गया और I और X रह गया, और उसकी जगह S की जगह क्या आ गया, F आ गया। तो फिक्स से मैं क्या याद कर सकता हूं, 6 याद कर सकता हूं। ठीक है, तो मुझे एक और नंबर याद हो गया, समझ में आ रही है बात, फिक्स से 6 याद होगा, F का नंबर कितना होगा, 6 होगा। G, G से आपको याद होगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी GA पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि हमारे अलग अलग कंट्री के ग्रुप बने हुए हैं, बने हुए G3, G7, G20 बने हुए ना, तो एक ग्रुप कौन सा है उनमें से, G7 है। तो वो G7 हम कहां से याद करेंगे, जो कंट्री का एक ग्रुप बना हुआ है G7, उस G7 से हम क्या याद रखेंगे कि G की नंबरिंग कितनी है, 7। और लॉजिकली याद करना है तो देखो इस G को मैं यहाँ पे आपको लॉजिकली भी याद कराता हूँ। देखो G कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, क्या लिखा है यहाँ पे, आ गया 7। तो आप इस तरीके से भी G को याद कर सकते हो कि G खुद अपने आप में 7 रखता है, ये देखो इसने भी रखा हुआ है, ये रहा 7। ठीक है, तो G की नंबरिंग क्या हो गई, 7। किस पे आते हैं, एच पे, एच क्या है, 8। देखो फिर से इसके अंदर राइमिंग बनेगी, हम क्या बोलते हैं, 8 है ना, 8 का ई हटा दो बस, क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 8 और एच दोनों मिलकर के हाइट बनाते हैं, तो एच की नंबरिंग 8। और ऐसे याद ना रहे तो लॉजिकली भी मैं आपको बता देता हूं, आपने ये क्या बनाया, 8 बनाया ना। अब मैं कहता हूं कि इस 8 में से आप क्या करो, इसका टॉप और बॉटम हटा दो, ये टॉप बॉटम हट गया और ये टॉप हट गया, क्या बन गया, एच बन गया। तो जब 8 में से हम टॉप और बॉटम हटा देंगे तो वो अपने आप में एक एच की शेप ले लेगा, और या फिर दूसरे तरीके से याद रखना है तो हम हाइट से याद रख सकते हैं। ध्यान रखिए मैं एक एक करके सब चीज पूछूंगा आपसे, यहां तक क्लियर है चीजें, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, हम आते हैं नेक्स्ट आई पे। यदि मैं आई पे आता हूं तो आई सबसे पहले यदि मैं बात कर रहा हूं तो आई की नंबरिंग क्या है, 9। तो देखो थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लेते हैं यहाँ पे, वैसे तो हम इंग्लिश नहीं जानते इतनी, लेकिन फिर भी हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं, इतना तो हम जरूर जानते हैं, क्या जानते हैं हम, यस आई नो, अरे ये तो इंग्लिश वाला नो है, यस। लेकिन इसको अगर हम मैथ्स में लिखेंगे तो ये डिजिट वाला नो मतलब 9 हो जाएगा, आई नो,
नौ, हिंदी वाला नौ, आई नौ, तो आई की नंबरिंग कितनी आ गई, नाइन। समझ में आ रही बात सबको? चलिए जे, आई थिंक मुझे करने की जरूरत नहीं क्योंकि इजोटी में मैं जे को कवर कर चुका हूं। यस, आगे आते हैं। K11, देखो K11 इतना आसान है ना कि मैं एक बार जैसे ही आपको बताऊंगा ना, आप खुद ही याद रखोगे, नहीं तो आधे से ज्यादा तो अभी तक चिल्ला चुके होंगे कि सर K11 तो मुझे पता है, ये तो आईपीएल की टीम है, किंग्स 11 पंजाब। ओ याद आ गया मुझे, किंग्स 11 पंजाब। यस, तो यहां से क्या हो गया, के की नंबरिंग 11। अब देखो यहां से मैं एक और चीज आपको सिखाऊंगा, लेटर की नंबरिंग जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि उस लेटर का रिवर्स ऑर्डर वाला लेटर कौन सा होगा। ये मैं आपको समझाऊंगा, अभी आप उस पर फोकस मत करो, केवल मैं आपको ये बता देता हूं कि यहां से हमें दो चीजें मिल गई, के की नंबरिंग 11 भी मिल गई और के का रिवर्स ऑर्डर पी भी मिल गया। ये मैं वहां पे फिर से रिपीट करूंगा, अभी तो मैंने आपको यहां बस दिखा दिया है। तो K11 समझ में आ गया, किंग्स 11 पंजाब। यस, आगे आते हैं, देखो के भी हमें याद आ गया। L12, अच्छा L12 यदि मुझे याद करना है तो L12 कैसे याद रखूंगा मैं, तो देखो L12 को याद रखने की जरूरत नहीं है, L के अंदर ही 12 आता है। देखो जब आप 12 बोलते हो ना, 12, आपने क्या बोला, 12, तो जब आप 12 बोलोगे तो लास्ट में क्या साउंड आ रहा है, L का आ रहा है ना, 12 12 12, लास्ट में क्या आ रहा है, L। तो सीधे सीधे आप याद रख सकते हो कि जैसे ही आपके दिमाग में आया यार L की नंबरिंग क्या है, अरे L की नंबरिंग राइमिंग जैसा दिख रहा है 12, तो L की नंबरिंग कितनी हो गई, 12 हो गई। बात समझ में आ रही है? तो मैंने कितने लेटर याद कर लिए, 12 लेटर तो ये याद रख लिए और O T Y तीन और मिला लो, टोटल मुझे 15 लेटर याद हो गए। अब केवल और केवल मेरे 11 लेटर बचे हैं जिनकी मेरे को नंबरिंग पता करनी है। ये इंपॉर्टेंट है, आप मानो चाहे मत मानो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अगर आपको लेटर्स की नंबरिंग आती है तो बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक रीजनिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, उसके अंदर यही नंबरिंग और यही रिवर्स ऑर्डर काम में आने वाला है, और एक दो नंबर के क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं अल्फाबेटिकल सीरीज से भी। ठीक है, तो हमारे लिए नंबर इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो मैं इसको रब करता हूं। चलिए आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हमने कंप्लीट अपना लेटर्स का देख लिया है, ए से लेकर के एल तक का। हम बढ़ते हैं आगे, अब हम आगे की नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग जैसे ही हमारी खत्म होती है वैसे ही हम आगे स्टार्ट कर देंगे इसका रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, और फिर कुछ क्वेश्चंस भी हम इसके ऊपर देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ कर सकते हैं इसके साथ साथ में, जो हमें ये क्लियर करेगा कि भाई इसकी कोडिंग ये होगी और इसकी, और ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं होंगे, इजी इजी से क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एल तक हम कर चुके हैं, आई जे के एल के बाद क्या आएगा हमारे पास में, एम आएगा। सॉरी, आई जे के एल के बाद में क्या आएगा हमारे पास में, एम आएगा। एम की नंबरिंग कितनी हो गई, 13। एन पे आते हैं, एन की नंबरिंग कितनी हो गई, 14। ओ पे आते हैं, ओ की नंबरिंग कितनी हो गई, 15। P पे आते हैं, P की नंबरिंग कितनी हो गई, 16। O P हो गया, आगे आते हैं Q R S T, आगे आते हैं U V W X और लास्ट के दो डिजिट, दो लेटर वाई एंड जेड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो बचे हुए लेटर्स हैं इसके अंदर जो जो इजोटी के अंदर आ गए उनको फिर से टिक कर लें। तो बच्चा ओ टी वाई, ओ टी वाई हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ओ टी वाई हम क्लियर कर चुके हैं। ओ हो गया, T20 वैसे भी याद कर सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो, T20 से भी याद कर सकते हो, और Y25 हो गया वैसे याद रहने वाला, और Y याद हो गया तो Z तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि Y अगर 25 है तो Z 26 है, और वैसे भी हमें पता है आखिरी लेटर है और टोटल लेटर 26 होते हैं, तो Z 26 हो गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर मेरे को Y याद है तो मुझे X भी याद है, इतना तो याद कर ही सकते हैं ना यार, अब इतने बड़े हैं इतना तो याद हो ही सकता है। अब आते हैं जो बचे हुए लेटर है, देखो MN, MN को कैसे याद रखोगे, देखो MN को आप एक ग्रुप बना लो, ये पूरा मैं सेट बना लेता हूँ MN का, मैंने ये सेट बनाया और MN के सेट के बीच में मैंने स्मॉल ए लिख दिया। अच्छा, स्मॉल ए लिखते ही ये क्या बन गया, यस ये मैन बन गया। तो
तो अगर मुझे m की नंबरिंग पता है 13, तो n की नंबरिंग भी क्या हो जाएगी? 14। तो देखो m की नंबरिंग सर 13 कैसे याद रखें? तो देखो m से हो गया मन, तो मन 13। मन किसका? मन 13। तो मन किसका हो चुका है? मन 13 हो चुका है, ठीक है। तो मन अगर 13 हो चुका है तो उसमें m की नंबरिंग हो गई 13, और उसके बाद आता है n, तो n की नंबरिंग हो गई 14। मेरे हिसाब से ये तो आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मन हमेशा किसका है? 13 है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। वो आपको पता है पी। देखो पी को आप बहुत सारे तरीके से याद रख सकते हो। पी को याद रखने का तरीका है कि आप इसका सेट बना लो। पी, क्यू और आर, इन तीनों का एक सेट हम यहां बना लेते हैं। पी, क्यू और आर का मैंने एक सेट बना लिया। अगर मैं पी क्यू आर के सेट की बात करता हूं, तो देखो पी क्यू आर में पी से हो गया प्रिंस, सुना है ना? प्रिंस, प्रिंस कौन होता है? प्रिंस होता है राजकुमार, प्रिंस। क्यू कौन हो गई? क्वीन। क्यू कौन है? क्वीन। और आर कौन हो गया? देखो इंग्लिश का लिखोगे तो किंग होता है, लेकिन हम यहाँ इंग्लिश का नहीं लिखेंगे, हम हिंदी का लिखेंगे राजा। तो क्या हो गया? प्रिंस, क्वीन और राजा, तीन चीजें हो गई हमारे पास में। तो देखो प्रिंस, क्वीन और राजा हो गया, तो तीनों का सेट अगर मैं पी पता लग जाए तो क्यू और आर ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं। पी, प्रिंस। अच्छा ये बताइए मुझे, प्रिंस मतलब अगर राजकुमार है, तो राजकुमार राजा लोग कितने साल की उम्र में घोषित करते थे अपने बच्चों को? जब वो कितने साल के हो जाते थे? 16 साल के। उस समय उनके मैच्योर होने की उम्र कितनी होती थी? 16 साल। 16 साल का होते ही लड़का क्या बन जाता था? प्रिंस बन जाता था। तो पी की नंबरिंग कितनी हो गई? 16। और यदि अभी भी पी याद नहीं हुआ हो, तो मैं क्यू को एक और अलग तरीके से आपको याद करा देता हूं कि क्यू मतलब क्या होता है? क्वीन। क्वीन को हिंदी में बोलते हैं रानी, और रानी कौन से नंबर पे बैठी है? 17। और 17 पे खतरा। तो हमेशा ध्यान रखो, क्वीन से हमेशा क्या होता है? खतरा होता है, इसलिए लड़कियों से बच के रहना, है ना? लड़कियां बुरा ना माने, मैं केवल याद करने का एक तरीका बता रहा हूं, ठीक है। तो क्यू से क्वीन, क्वीन मतलब रानी, और रानी कौन से नंबर पे बैठती है? हमेशा 17 पे, खतरे वाले नंबर पे बैठती है, इसलिए हमेशा राजा को उससे खतरा रहता है, ठीक है। तो पी क्यू आर आई थिंक अब आपको याद रहेगा। पी प्रिंस 16 साल की उम्र में, क्यू रानी खतरे के नंबर 17 पे, और आर की नंबरिंग 18। तो मेरे तीन लेटर और कवर हो गए, पी क्यू और आर। अब आते हैं एस। तो एस की नंबरिंग कितनी है हमारे पास? 19। तो एस को नंबरिंग अगर मैं 19 दे रहा हूं, तो उसको 19 मत बोलो, इसको 19 बोलो। क्या बोलो? 19। जैसे वहां पे हमने एल को 12 बोला था ना, और उसमें एल साउंड आ रहा था, ऐसे जब आप 19 को हिंदी में 19 बोलोगे, तो लास्ट में एस, एस का साउंड आ रहा है। आ रहा है? खुद से बोल के देखना, 19 लास्ट में एस, ठीक है। तो 19 से एस का कनेक्शन हो गया। ऐसे ही T20 मुझे याद है, और UVW को हम एक साथ देखेंगे। देखो UVW को हम एक साथ देखेंगे, तो एक साथ में सबसे पहले मैं आपको यू बताऊंगा। जब मैं आपको यू बताऊंगा, तो यू का मतलब होता है युवा। यू का क्या मतलब होता है? युवा। और युवा हाँ, कितने साल की उम्र में होते हैं? यस, 21 साल की उम्र में युवा होते हैं। लड़कियां भी मान लें, वैसे वो 28 साल की उम्र में एलिजिबल हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं? युवा कितने साल की उम्र में ही होते हैं, समझदार हम 21 साल की उम्र में ही ढंग से हो पाते हैं। तो यू मतलब युवा, इसको हिंदी का मतलब, इस वाले यू को पिक करो, क्योंकि युवा बोल रहे हैं तो यू आ रहा है ना। तो युवा कितने साल की उम्र में होते हैं? 21 साल की उम्र में युवा होते हैं। और UVW यदि मैं देखता हूं, तो देखो UVW जो आप लिखते हो ना, तो यू फॉर अल्ट्रा, वी फॉर वॉयलेट और डब्ल्यू फॉर वेव, तीनों एक साथ याद हो गए। अल्ट्रा वॉयलेट वेव, जिसको हिंदी में पराबैंगनी किरणें कहते हैं, है ना? तो अल्ट्रा वॉयलेट वेव मेरे हिसाब से सबको, सबने सुना होगा। तो UVW मतलब यूवी वेव, यू युवा 21 साल की उम्र में, तो यू से 21, यूवी वेव में वी से 22 और डब्ल्यू से 23। अब मेरे हिसाब से कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता हो। बात समझ में आ गई? हमने सारे कंप्लीट 26 लेटर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आराम से। चलिए जैसे कि ये हमारे पास में नंबरिंग कंप्लीट हुई है, अब आज हम एक और चीज करेंगे, आज हम इनके रिवर्स ऑर्डर भी याद करेंगे, ठीक है। और आज रिवर्स ऑर्डर याद करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम कम है, तो हम चीजों को, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें कवर करना चाह रहे हैं। आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा,
तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, देखिए जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूँ रिवर्स ऑर्डर क्या चीज है। देखो जब भी मैं रिवर्स ऑर्डर की बात करूंगा ना, तो रिवर्स ऑर्डर क्या होता है पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि रिवर्स ऑर्डर क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। जब मैं रिवर्स ऑर्डर की बात करता हूँ तो देखो, अगर मैं यहाँ पे एक अल्फाबेटिकल सीरीज लिख रहा हूँ ए बी सी डी और आगे बढ़ते हुए इसी तरीके से क्या लिख दिया मैंने लास्ट में एक्स वाई और जेड, जब मैं ये लिखता हूँ ना ए बी सी डी एक्स वाई जेड, तो ये नॉर्मल सीरीज है, जो ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज होती है ना ये वो है। और जब मैं रिवर्स सीरीज लिखूंगा ना, तो रिवर्स सीरीज क्या होगी, जेड से स्टार्ट होती है और उन्हीं लेटर के नीचे लिखी जाती है जो लेटर ऑलरेडी एग्जिस्ट अभी कर रहे हैं, तो जेड एक्स वाई और ये डब्ल्यू, ठीक है। और फिर ऐसे ही आगे चलते जाएं तो ये सी बी और ए रिवर्स हो गई ना, इसलिए हम इसको रिवर्स सीरीज कहते हैं। और ये हमारी नॉर्मल सीरीज हो गई और ये रिवर्स हो गई। अब देखो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि रिवर्स सीरीज में के और पी, यहाँ पे कहीं पे देखना बीच में के आएगा और उसके अपोजिट में यहाँ पी आएगा, इसलिए मैंने कहा था के का रिवर्स क्या होता है, पी होता है, ये मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो देखो ए और जेड, अब हमें यही याद करना है कि भैया कौन से लेटर का रिवर्स क्या है, यहीं पे हमें दिक्कत आती है, नहीं तो हम कोडिंग नहीं कर पाते किसी भी नंबर की किसी भी लेटर की। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कोडिंग करो, जैसे यही आ गया ए बी सी डी का कोड है जेड वाई एक्स डब्ल्यू, या फिर वो क्या कर दे जैसे यहाँ क्वेश्चन दे दिया ए बी सी डी और क्वेश्चन में कोड लिख दिया ये, अब जब हमें यही नहीं पता कि किसका रिवर्स क्या है तो हम कैसे बता दें कि भैया ए को डब्ल्यू लिखा है कि डी को डब्ल्यू। अगर मुझे ये पता है कि भैया डी को डब्ल्यू बोलते हैं इसका मतलब इसका कोड तो ये वाला है, ए का कोड ये वाला है, सी का कोड ये है और बी का कोड ये है, तो मैं तुरंत बता दूंगा, आप कोई भी क्वेश्चन दे दो मेरे को मैं सॉल्व कर दूंगा। समझ में आ रही है? तो यही चीज इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए कि कोडिंग के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए अब देखो ये समझ में आ गया रिवर्स क्या होगा, कोई भी नॉर्मल सीरीज में जो भी लेटर चल रहा है उसका जस्ट अपोजिट। और ये पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखो अभी हमने नंबरिंग करी थी ना, ए की नंबरिंग 1 थी और जेड की नंबरिंग 26 थी, तो देखो पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका, यदि आपको सपोज किसी भी लेटर की नंबरिंग पूछे, जैसे डी की, डी का रिवर्स पूछा आपसे कि डी का रिवर्स क्या, तो मुझे डी की नंबरिंग पता है कितनी है, 4, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना डी का रिवर्स और डी दोनों मिलके दोनों का जो एडिशन होगा, जो एडिशन होगा वो टोटल होगा 27। ये मैं आपको ए और जेड से दिखा देता हूं, देखो ए की नंबरिंग है 1, जेड की नंबरिंग है 26, दोनों का एडिशन कितना हुआ 27, बी की नंबरिंग है 2, वाई की नंबरिंग है 25, एडिशन कितना होगा 27। तो हमेशा ध्यान रखना किसी का भी अगर आपको रिवर्स निकालना है किसी भी लेटर का, तो बस क्या करो उनका एडिशन 27 है, एक लेटर दिया हुआ है, छोटी सी मैथमेटिक्स लगानी है, 27 में से जो दिया हुआ लेटर है उसका नंबर, यानी यहाँ पे क्या दिया 4, तो 4 माइनस किया कितना आ गया 23, इसका मतलब डी का रिवर्स क्या है 23। और अभी बताया था यू वी वेव, यू की नंबरिंग 21, वी की 22 और डब्ल्यू की 23, इसका मतलब डी का रिवर्स क्या हो गया डब्ल्यू। ये देखो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी, सबको आ रही है, कहीं पे भी डाउट हो प्लीज मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगा कमेंट सेक्शन में जाकर के उसका आंसर दे सकूं, ठीक है। चलिए ये नॉर्मल तरीका समझ में आ गया, क्या करना है, एडिशन 27 होता है, एक लेटर दिया हुआ होता है, उसमें से उस लेटर को जो दिया हुआ है उसे माइनस कर दो, जो नंबर आएगा वो उसका रिवर्स होगा। बाकी हम इसे याद भी करके देखेंगे, देखो कैसे याद करते हैं, मैं आपको पेयर बना के लिखा देता हूँ, आप उन पेयर को उतार लेना और उनकी कुछ ट्रिक्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं, बहुत ही हम आराम से पढ़ेंगे, चीजें सारी कवर करेंगे, पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत जल्दबाजी में पढ़ेंगे, बहुत तेज तेज पढ़ेंगे, क्योंकि कल मैं देख रहा था बोले सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हो, तो स्लो पढ़ाने का रीजन ये है कि भैया 70 के लोग हैं, उन सबको समझाना है मुझे, है ना, जिनको आता है वो थोड़ा सा पेशेंस रखें प्लीज। चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ये मैंने बोला ए का रिवर्स जेड, बी का रिवर्स वाई, सी का रिवर्स एक्स, डी का रिवर्स डब्ल्यू, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो कि मैं कैसे लिख रहा हूं, तो कुछ नहीं करो, ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब बोले सर आप एम पे क्यों रुक गए, तो भैया देखो मैं यहाँ चला रहा हूँ एम तक, तो मैं उल्टी भी तो चला रहा हूँ उसको सीरीज को, तो ये डब्ल्यू हो गया, तो देखो यहां से क्या हो गया वी यू टी
उल्टा चल रहा हूं, देखो ZYXWVUT SQRPNO, ठीक है। अब देखो ये सारे लेटर आ गए हमारे पास में, यहां पे ए से लेकर के एम तक तो यहां लिख लिया, और फिर एन से लेकर के हमने कहां तक लिख लिया, जेड तक लिख लिया। ये रिवर्स होता है बस, इसके अलावा और कोई रिवर्स नहीं है। कैसे याद रखेंगे, देखो ए जेड आजाद, ए जेड आजाद, ए जेड आजाद, मैं बोलता जा रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ए जेड आजाद, ए जेड आजाद, ठीक है। आजाद में ए और जेड, ए का रिवर्स जेड आ रहा है मेरे पास, ठीक है। बी वाई बॉय, बी वाई बॉय, बी वाई बॉय, बॉय मतलब लड़का, या फिर आप बी ओ वाई बाय, तो लड़कियों के लिए तो बॉय बोल दिया, और लड़कियों को शॉपिंग बहुत पसंद है, तो उनके लिए बी यू वाई बाय, ठीक है, तो बॉय या बाय। सीओ एक्स, तो सीओ एक्स जब आपको याद रखनी हो तो मैं एक दवाई का नाम बता रहा हूँ यहाँ पे, वो बहुत फेमस है, वो ही याद की जाती है, कोरेक्स। दवाई का नाम क्या है, कोरेक्स। देखो कोरेक्स के अंदर सी भी आ गया और एक्स भी आ गया, ठीक है, कोरेक्स। उल्टा याद रखना है तो क्रिसमस, एक्समस बोलते हैं ना, तो एक्स और लास्ट में सी, क्रिसमस, ठीक है, तो क्रिसमस से भी याद रख सकते हो, नहीं तो कोरेक्स बहुत बेस्ट है। डीडब्ल्यू बहुत आसान और बहुत प्यारा, दूध वाला, बहुत आसान और हमारा बहुत प्यारा दूध वाला, जो हर सुबह आता है मेरी तरफ, ठीक है, तो दूध वाला हो गया हमारे पास में, तो दूध वाला में दूध भी आ गया और वाला में डब्ल्यू भी आ गया, ठीक है, तो दूध वाला, ठीक है। इवनिंग, तो मैं एक लेक्चर कब लेता हूँ, मॉर्निंग में, और एक लेक्चर कब लेता हूँ, इवनिंग में, ठीक है, तो ये क्या आ गया, इवनिंग, ई और वी, फन। अच्छा ये सब आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, और अगर मजा आ रहा है मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फन, एफ और यू, फन। और कैसे याद रख सकते हैं, कितना फन, फुल ऑफ फन, कितना फन, फुल ऑफ फन। जी टी, अरे बहुत आसान है ये, एक तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी रोड कौन सी है, ग्रांड ट्रंक रोड, तो बस ग्रांड ट्रंक रोड से हम जीटी याद रखेंगे, या हम क्या याद रख सकते हैं इसके लिए, टाइगर। देखो उल्टा याद रखना है तो कैसे याद रख सकते हैं, टाइगर आ गया, देखो जी और टी। एच और एस, अरे बहुत ही आसान, ये तो हमारा फेमस सिंगर था, लेकिन आजकल बेचारा चल नहीं रहा है, इसकी जगह बादशाह चल रहा है, तो कौन आ गया, ये हनी सिंह, यस, तुरंत बोलते हैं ऐसी चीजें, है ना, हनी सिंह, कौन आ गया, हनी सिंह, एच एस, ठीक है। ये हम स्कूल से उल्टा भी याद रख सकते हैं, स्कूल से याद रख सकते हो आप इसको। आई और आर, इंफ्रारेड वेव से याद रख सकते हो, आई आर वेव सुना है ना, जैसे यूवी वेव होती है वैसे आई आर वेव भी होती है ना, थोड़ी बहुत तो साइंस आएगी ना हमें, आई आर वेव, ठीक है। या फिर अगर ऐसे याद नहीं हो तो रेल से याद रख सकते हो, आर ए आई एल, रेल, देखो आई और आर आ गया यहाँ पे, रेल हो गया, ठीक है। जे और क्यू कैसे याद रखोगे, जंगल क्वीन, वैसे तो जैक एंड क्वीन से याद रखते हैं हम, जैक मतलब क्या होता है, गुलाम, और क्वीन मतलब रानी ताश के पत्तों में, लेकिन अगर वैसे याद ना रहे तो क्या याद रखेंगे कि जंगल की रानी, जंगल क्वीन, तो जे और क्यू याद हो गया। क्या याद रखेंगे, के और पी, तो के पी काला पानी, काला पानी, या फिर क्या याद रखेंगे, पी के मूवी याद रखेंगे, पी के मूवी याद रखेंगे, या और क्या याद रख सकते हैं, बाहुबली का कैरेक्टर कटप्पा भी याद रख सकते हैं, है ना, कटप्पा का के और लास्ट में उसके पी आता है, तो क्या भी याद रख सकते हैं, कटप्पा भी याद रख सकते हैं। ये तो बहुत इजी है, इसकी यदि मैं बात करूं तो ये तो इतना इजी है कि हमें जरूरत ही नहीं है, ये तो लव है, क्या है ये, लव, प्यार, एल ओ वी ई, लव, ये तो शायद ही कोई भूलेगा आप में से, ठीक है, तो एल ओ वी ई, लव, और M और N, तो देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब आपको नंबरिंग याद कराई थी तो मैंने क्या बोला था, मैन, किससे याद रखेंगे M और N को, मैन से, किससे याद रखेंगे, मैन से। आई थिंक मेरे हिसाब से अब आप रिवर्स ऑर्डर कभी नहीं भूलेंगे, लेटर्स की नंबरिंग कभी नहीं भूलेंगे, बशर्त है कि आपने इन्हें नोट कर लिया हो और एक दो बार आप इन्हें उठा करके अगले दो दिनों में देख लीजिए, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाएंगे जितने भी हमने किए। जल्दी से इसे नोट कीजिए, हम तुरंत अपने क्वेश्चंस पे आते हैं ताकि हम क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकें। मेरे हिसाब से आपने नोट कर लिया होगा, और नहीं किया होगा तो प्लीज वीडियो रिवाइंड करके पीछे फिर से देख लेना, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं।
ठीक है, तो अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे जो हमें करने हैं, क्योंकि जब तक हम दो तीन एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। देखो, हम कोडिंग का एक क्वेश्चन उठाते हैं। हमने एक क्वेश्चन उठाया कोडिंग का। क्वेश्चन में क्या लिया हमने कि उसने दिया हुआ है कि एक वर्ड है, वर्ड हम ले लेते हैं, चलिए क्वीन ही ले लेते हैं। हम इतनी देर से क्वीन क्वीन चिल्ला रहे हैं ना, तो हम क्वीन ही ले लेते हैं। एक वर्ड है क्वीन। क्वीन का जो कोड दिया हुआ है हमें, वो कोड क्या दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूं। जो क्वीन का कोड सामने पेपर में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमें, मैं लिख देता हूं एक मिनट, ये आपको क्वीन का कोड दिया हुआ है। ठीक है, कि मतलब उसने कहा है कि क्वीन को यदि इस तरीके से कोड किया जाए तो बताइए, मतलब देन तो बताइए कि इसका कोड क्या होगा। चलिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से मुझे बताइए। मैं आपको नंबरिंग भी करा चुका हूं, मैं आपको रिवर्स ऑर्डर भी करा चुका हूं, तो मुझे फटाफट से बताइए कि क्या कोड होगा। जो भी आप लगा सको लगा के देखो, फटाफट से मुझे बताओ। ठीक है, चलिए, आई थिंक इनफ टाइम है, पॉज करके आपने कोशिश की होगी क्वेश्चन करने की। हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, मैंने लिखा क्वीन। जब मैंने लिखा क्वीन, तो क्वीन के नीचे मैं उसका कोड लिख लेता हूं, ताकि मुझे थोड़ी आसानी हो ये फाइंड आउट करने में कि किसका कोड क्या हो सकता है, क्योंकि जब नीचे लिखते हैं तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। देखो, हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो उसे बराबर भागों में बांटने की कोशिश किया करो। जैसे देखो, यहां मैंने प्रिंस लिखा ना, अगर मुझे उसका कोड पता लग जाता है तो मैं प्रिंस का कोड भी निकाल सकता हूँ। तो जब भी मैं प्रिंस के कोड निकाल के यहाँ लिखूंगा ना, तो मैं इनको बराबर भागों में बांट लूंगा। बराबर भाग मतलब तीन इस साइड और तीन इस साइड, है ना। और ऐसे ही मैं यहाँ करूंगा, बोले सर यहाँ तो बराबर कैसे बांटोगे, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आप लेटर के ऊपर से लाइन ले लो, इसका कोड तो डेफिनेट सी बात है। अब क्या हुआ, इससे हमें एक फायदा हो गया, अब हमें पता लग गया कि इस ई का कोड तो वी ही है, डेफिनेट सी बात है, ई का कोड क्या है, वी ही है। अब क्या करना है, इन दोनों का सेट और इन दोनों का सेट पता करना है। जैसे ही हमने पता किया ये, हम तुरंत प्रभाव से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब देखो, ई का कोड वी कब हो सकता है, आपको ध्यान है हमने क्या पढ़ा था, इवनिंग पढ़ा था ना, इसका मतलब ई का रिवर्स ऑर्डर क्या है, वी है। क्लियर है, तो यहां देखो, यहां मेरे को क्यू दिखाई दे रहा है, क्यू किसका रिवर्स होता है, जंगल क्वीन। यस, क्यू का रिवर्स जे, FUN फन, यू का रिवर्स एफ, इवनिंग ई का रिवर्स वी, और मैन एन का रिवर्स एम। कोडिंग पता लग गई, पैटर्न पता लग गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, दो दो के पेयर में क्रॉस चल रहा है इस तरीके से, पी के लिए सेकंड, आर के लिए फर्स्ट, आई के लिए फोर्थ, एन के लिए थर्ड, सी के लिए लास्ट, ई के लिए फिफ्थ। क्या लिखोगे, आर का रिवर्स क्या होता है, बताया था ना, रेल आई। पी का रिवर्स क्या होता है, कटप्पा। आई का रिवर्स क्या होता है, रेल। एन मैन, एम सी का कोरेक्स, ई का वी इवनिंग। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, आज की क्लास हम यहीं पॉज करते हैं। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस इसी के लाऊंगा, जब तक आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में ही हम अपना नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों के प्यार के लिए, और प्लीज अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम अपने एफर्ट को और बढ़ा सकें। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। बाय।